पहली टिप मेरी झाड़ू को लेकर, इससे पहले भी मैंने कुछ टिप्स शेयर की हैं आपके साथ झाड़ू को लेकर, तो ये टिप सबसे अलग है, एकदम न्यू झाड़ू है, पुरानी झाड़ू नहीं है। तो आगे से मैंने इसको अच्छे तरीके से बांध लिया है यहाँ पे, इसकी जो सीखें होती है ना, कई बार नई झाड़ू लाते हैं उससे टाइम ख़राब होने लग जाती, तो अच्छे से मैंने इसको बांध लिया है। तो कई बार ना झाड़ू इस तरीके से कोई इसे खड़ा करके रख देते हैं, वैसे तो खड़ा करना झाड़ू बहुत अशुभ माना जाता है, नहीं करते, कई बार वॉश करके कुछ मिनट के लिए रख देते हैं, तो ऐसे आप बिल्कुल ना करें। तो आज आपको यहाँ पे मैं एक टिप देने वाली हूँ, यहाँ पे कोई बड़ी सी सुई ले लें, या जैसे बोरी से ली जाती है वो भी ले सकते हैं, बड़ी वाली सुई आप इस तरीके से थोड़ा सा इसे आप गर्म कर लें। गर्म करने के बाद ना जहाँ पे इसका हैंडल है यहाँ पे आप इसमें एक होल कर लें, तो मैंने इसके अंदर रस्सी भी डाल ली है, कोई भी प्लास्टिक की आप इसमें ले सकते हैं, या कोई आप थ्रेड भी ले सकते हैं, उसको आप 5-6 बार धागे को फोल्ड करके तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो अच्छे तरीके से हम इसे होल करके इसमें से निकाल देंगे, और यहाँ पे जो हम इसमें जो हमने बड़ी वाली सुई डाल रखी थी ना वो हम निकाल देंगे, और इस तरीके से इसमें एक नॉट लगा देंगे, और फिर हम इसे थोड़ा सा आगे से गरम करके ना आपस में ज्वाइंट कर देंगे, ताकि ये बिल्कुल भी अलग ना हो। तो आप कोई भी कॉटन वाले भी इसमें थ्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वूलन के थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसे लॉक कर देते हैं इस तरीके से। तो अब इस तरीके से झाड़ू में आप होल करके, तो ऐसे आप अपने झाड़ू को कहीं पर भी किसी स्टोर रूम में या किसी डोर की आप पीछे वाली साइड में कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो अगर आप वॉश करते हैं तो इस तरीके से कुछ देर के लिए इसे हैंग कर दें, फिर आप जैसे भी इसे रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। बिस्किट को लेकर है, घर में छोटे बच्चे होते हैं तो अक्सर जिद करते हैं, एक पैकेट दो पैकेट खुलवा लेते हैं, लेकिन बच्चे पूरे पैकेट नहीं खा पाते हैं। तो पैकेट अगर खुल जाते हैं बिस्किट के, बिस्किट में मॉइस्चर ना आ जाए, बिस्किट सील ना जाए, तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी टिप बताऊंगी। यहाँ पे बिस्किट मैंने अभी खोले नहीं हैं, अगर आपके पैकेट खुल जाएं, बच्चे खोल दें, तो आप इसे कैसे रख सकते हैं ताकि एकदम से क्रंची रहें, फ्रेश रहें, मॉइस्चर ना आए। यहाँ पर देखिए मैंने पीनट बटर का डब्बा, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे डब्बे आते हैं जिसमें कोई चीज़ पैक होके आती है, तो मैं हमेशा इनको वॉश करके सुखा के रखती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, तो ये भी टिप है आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि सभी के घरों में बड़े बड़े कंटेनर हों, कांच के जार हों, तो हम ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनमें भी हम काम चला लेते हैं। तो अच्छे से मैंने वॉश कर लिया इस डब्बे को, और फिर मैंने टिश्यू पेपर इसके अंदर लगा के थोड़ी सी चीनी डाल दी है। अगर आपका पैकेट खुल गया है ना बिस्किट का और आपको स्टोर करके रखना है, तो पैकेट के अंदर भी थोड़ी सी चीनी डाल दें और इस तरीके से फिर बंद करके फ्रिज में रख दें। आपके बिस्किट काफ़ी दिनों तक नहीं ख़राब होंगे, मॉइस्चर नहीं लगेगा, एकदम से फ्रेश रहेंगे। अगर आपने बिस्किट के पैकेट खोल लिए हैं, इस तरीके से डब्बे में रख सकते हैं, थोड़ी सी चीनी अगर आप इसमें डाल दें तो इससे भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो एक टिप और बताती हूँ आपको, इस टिश्यू पेपर लगाएं, थोड़ी सी चीनी डाल दें और फ्रिज में स्टोर करें, लंबे टाइम तक बिस्किट बिल्कुल भी नहीं सीलेंगे। तो आज मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप लहसुन को बहुत आसानी से छील सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, इसकी सारी पहले कलियों को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नाइफ लेना है और लहसुन की एक कली लेनी है, बीचों बीच इस तरीके से कट लगाना है, फिर जहाँ से आपने कट लगाया है ना वहाँ से आपको इसका जो छिलका है पकड़कर आपको इसको निकालना है। तो बहुत आसानी से पूरे लहसुन का छिलका एक साथ निकल आता है, और ऐसे आसानी से आप जितना चाहे मर्जी लहसुन को छील सकते हैं। मैं एक से दो आपको और छील कर दिखाती हूँ। बीचों बीच में लहसुन की कली के कट लगाना है, जहाँ से कट लगाया है वहीं से ही इसका छिलका पकड़कर आपको उतार लेना है, बहुत आसानी से इसका छिलका निकल आता है। तो इस ट्रिक के साथ आप काफ़ी सारा लहसुन आसानी से और कम टाइम में छील सकते हैं। आलू शिमला मिर्च की सब्जी आपने कई बार बनाई होगी, क्या आपने शिमला मिर्च प्याज और बेसन की सब्जी बनाई है? अगर नहीं बनाई तो एक बार देखने के बाद इस रेसिपी को अगर आप बनाएंगे ना तो बार बार बनाकर खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी ये सब्जी बनके तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मैंने दो प्याज लिए हैं, इनको वॉश करके थोड़ा लंबा काट लिया है, थोड़ा सा मोटा काटें, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। उसके बाद कटे हुए प्याज को हम हाथ से थोड़ा मैश कर देंगे ताकि इसके जो जितने भी टुकड़े हैं ना वो अलग हो जाएं। इसके बाद शिमला मिर्च के बीज निकाल के इनको भी थोड़ा पतला काट लेंगे। यहाँ पर मैंने एक टमाटर, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और अदरक लिया है, इसको मिक्सी के जार में डाल के बिना पानी वगैरह डाल के इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारा मसाला तैयार है। एक पैन रखेंगे गैस पे और इसमें हम एक चम्मच बेसन डाल के इसे 2-3 मिनट तक लगातार चलाते हुए स्लो गैस पर भून लेंगे। जब बेसन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और बेसन से खुशबू आने लगे, तो बेसन हमारा
भुन के तैयार हो जाएगा। फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। वापस से फिर पैन रखेंगे, पैन में हम 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें हम बारीक लंबे कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च दोनों एक साथ ही डाल देंगे। इस रेसिपी को आप सरसों के तेल में बनाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो कंटिन्यू आपको इसे 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए शिमला मिर्च और प्याज को भूनना है। गैस की फ्लेम को कम ना करें, इसलिए हम इसे हाई फ्लेम पे भूनेंगे ताकि मिर्च और प्याज में थोड़ा क्रंच बना रहे। तो हमारे यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च फ्राई हो गए हैं, इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। फिर से हम पैन में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, एक चुटकी हींग डाल देंगे, साथ ही आधा चम्मच थोड़ा सा क्रश करके कसूरी मेथी डाल देंगे। दोनों को थोड़ा सा भूनने के बाद फिर हम यहाँ पे डाल देंगे अपना टमाटर लहसुन का जो हमने प्योरी बनाया था वो डाल देंगे। इसको हम स्लो गैस पे थोड़ा सा भून लेंगे। जब ये तेल छोड़ दे तब इसमें हम मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें, 1 चम्मच डाल दें धनिया पाउडर। अभी यहाँ पे मसाला नहीं डालेंगे, लास्ट में डालेंगे। अब 1 चम्मच भुना हुआ बेसन इसमें डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए मसाले के साथ बेसन को भून लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून घर की फ्रेश मलाई ली है। मलाई को फेंट कर आप इस मसाले में डाल दें और उसके बाद स्लो फ्लेम पे आप इसे 1-2 मिनट तक मिक्स करके इसी तरीके से भून लें। अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 3 से 4 टेबलस्पून पानी ही डालें। अच्छे से मिला देंगे और इसे हम ढक देंगे ताकि ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ सके। जब ग्रेवी में उबाल आ जाए तब यहाँ पर हम फ्राई की हुई शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे। इसके साथ ही हम डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला। यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया है जिसके सीड्स निकाल के इनको थोड़ा सा मोटा काट लिया है। अब सारी चीज़ों को मिला देते हैं और इसे ढक कर हम 3 मिनट के लिए ऐसे ही बनने देते हैं। 3 मिनट के बाद देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। बेसन डालने से ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और इसकी ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो जाती है। अब गैस को हम बंद कर देंगे, सब्जी को 2 मिनट तक ढक कर ऐसे ही रख देंगे। 2 मिनट के बाद देखिए सब्जी हमारी बनके तैयार है, तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से घर पे रखी हुई मलाई और 1 चम्मच बेसन डालकर आप ये बहुत ही टेस्टी और क्रीमी रेसिपी जब बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा। आप इस रेसिपी को बनाकर रोटी परांठे या लंच डिनर में ज़रूर ट्राई करें। छोटे छोटे किचन टिप्स और कुछ रेसिपी ज़रूर पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए।